आज हम उन पांच चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें आपको अपने घर से तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि वो चीजें गरीबी और ठहराव को आकर्षित करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप इस जानकारी पर बारीकी से ध्यान दें जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। शायद उन पांच चीजों में से एक या अधिक के कारण जो मैं आपको विस्तार से समझाने जा रहा हूँ कि वे क्या है और आपको उन्हें अपने घर से क्यों हटा देना चाहिए, यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। ये चीज समझने से पहले और ऐसा करने से पहले आपको ये समझना होगा कि इस दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है, चाहे वह आपसे लेकर हो या आपके घर में मौजूद प्रत्येक वस्तुओं को लेकर हो, प्रत्येक चीजों में ऊर्जा है और ये ऊर्जा या तो आपको आगे बढ़ा सकती है या आपको अपने जीवन में कुछ भी चीज हासिल करने से रोक सकती है। यह महसूस करने के बाद मैंने अपने घर में मौजूद प्रत्येक वस्तु पर बारीकी से ध्यान देना शुरू किया और पाया कि उनमें से कई चीजों का मेरे अतीत से कुछ न कुछ संबंध था। जब मैं उन्हें खत्म करने में कामयाब हो गई तो मैंने अपने जीवन में ऐसे चमत्कार प्रकट करना शुरू कर दिया जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपने कुछ मिनट को निकाले और ध्यान दे, क्योंकि यह जानकारी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। यदि आप इसे अपने जीवन में लागू करने में प्रबंधन करते हैं तो आप भी चमत्कार घटित करेंगे। जैसे कि आप लोग वाइब्रेशंस के सिद्धांत को जानते ही होंगे, आइए शुरुआत करते हैं पहली चीज से जिसको आपको अपने घर से हटा देनी चाहिए। पहली चीज वह कपड़े है जो आप अब नहीं पहनते हैं। जब आप उस समय कपड़ा खरीदते हैं तो निश्चित रूप से आप जिस भी स्थिति में होते हैं उसके अनुसार आपके पास एक विशेष ऊर्जा होती है। आपने अनुभव किया होगा कि एक कपड़ा खरीदने के दौरान जो आपको बहुत ही पसंद था उसे आप बार बार पहनते थे, लेकिन अचानक आपने उसका उपयोग करना बंद कर दिया। क्या आप जानते हैं कि आपने उसका उपयोग करना क्यों बंद कर दिया? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बदल चुके हैं। एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि हम लगातार विकसित हो रहे हैं और जो आपको कल पसंद आया था हो सकता है कि वह आज आपको पसंद ना आए। जो भी गारमेंट्स या जो भी कपड़े आपने उस वक्त पहना था वो चीजें आपके पास्ट के एनर्जी को कंटेन करती है। उसमें आपके अतीत की ऊर्जा शामिल है जो अब समान ऊर्जा ना होने के कारण आपकी वर्तमान ऊर्जा के साथ संरेखित नहीं होती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि आपका पास्ट एनर्जी जो उस कपड़े में था वे आपके प्रेजेंट एनर्जी के साथ अलाइनमेंट नहीं बना रहे हैं, इसलिए आपने उन कपड़ों को अचानक से पहनना छोड़ दिया। क्योंकि पुराने कपड़े आपके प्रगति को रोक देता है, इसलिए आपको ऐसे कपड़े नहीं रखने चाहिए जो अब आप नहीं पहनते हैं। केवल उन्हीं तरह के कपड़ों को आप रखें जो आपका बहुत ही पसंदीदा है और जिन्हें आप पहनकर बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ये आप कैसे समझेंगे कि वो कपड़ा जो आपने पहना है वो अभी कंफर्टेबल है या नहीं, वे आपके एनर्जी के साथ अलाइनमेंट बना रही है या नहीं? तो एक सिंपल सा तरीका है, जब भी आप उन कपड़ों को पहनकर या जब भी आप अपने वर्तमान कपड़ों को पहनकर खुद को आईने में देखें तो उस वक्त आपके भीतर एक मुस्कुराहट होगी। तो फिर आप समझ लेना कि आपके नए कपड़े या आपके वर्तमान के कपड़े आपकी एनर्जी के साथ अलाइनमेंट बना रही है। और यदि हो सके तो आपके पास जो भी पुराने कपड़े हैं जो अच्छे कंडीशन में हैं उन्हें आप किसी को दान भी दे सकते हैं, और जो खराब कंडीशन में हैं उन्हें आप डिस्पोज भी कर सकते हैं। जब भी आप उन कपड़ों को अपने आप से अलग करें तो उनको अलग करने से पहले मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज शेयर करने वाली हूँ, उसे ध्यान से सुने। तो आपको ये चीज ध्यान देना होगा कि जब भी आप उन कपड़ों को पकड़े जिन्हें आप दान देना चाहते हैं तो उन कपड़ों को पकड़कर आपको उनके प्रति आभार व्यक्त करना है। आप ये कहे कि हमारे द्वारा साथ बिताए गए क्षणों के लिए धन्यवाद, क्योंकि उन कपड़ों में भी एक एनर्जी होती है जिनके प्रति आप आभार व्यक्त कर रहे हैं। उसके बाद आपको अपने पुराने कपड़ों को दान दे देना है। क्या आप जानते हैं कि मैं आपसे ऐसा करने का अनुरोध क्यों कर रही हूँ? क्योंकि उस कपड़ों में ऊर्जा होती है, यानी कि उसमें एनर्जी होती है जिसको बहुत ही आवश्यकता है कि वह अपना साइकिल को कंप्लीट कर पाए। इसलिए कृतज्ञता के साथ उन्हें विदाई देने की आवश्यकता होती है। जब आपने इसे पहना था तो यह निश्चित रूप से आपके लिए अद्भुत क्षण लेकर आया होगा। दूसरी चीज जो आपकी ऊर्जा को अवरुद्ध करती है वह है टूटी हुई चीजें। ये कोई रसोई का बर्तन हो सकता है या कोई सजावटी वस्तु हो सकता है, जैसे फूलदान, दर्पण, पेंटिंग या कुछ और हो सकता है जो आपके घर में रखे हैं या घर के हाउस होल्ड हो सकते हैं। याद रखें कि आपका घर आपका मंदिर है और आपको इसका ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई चीज टूट गई है तो आपको उसे जोड़कर ठीक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वह पहले से ही टूटी हुई है। और जो भी चीज आपके घर में पहले से ही टूटी हुई है वह एक अपने आप में बहुत बड़ा चोर है, वह परिपूर्ण नहीं है। वे चीजें आपकी ऊर्जा का अवरोधक बनती है, वे आपके एनर्जी को ब्लॉक करती है।
और इन चीजों के साथ भी आप वैसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको कपड़ों के साथ करने के लिए बताया। इसे अलविदा कहे उस सेवा के लिए आभार व्यक्त करते हुए जो उसने आपको प्रदान की है और इसका निपटान करे। तीसरी चीज है गंदे या घिसे पीटे जूते, और यह मैंने अपने महानतम आध्यात्मिक शिक्षकों में से एक शिक्षक से ज्ञान प्राप्त की थी। मैंने सीखा था कि अपने जीवन की यात्रा अपने द्वारा पहने जाने वाले जूतों से ही निर्देशित होती है। आपको उन्हें हमेशा साफ और अंदर रखना चाहिए, अच्छी स्थिति में रखना चाहिए। जब आप बाहर से घर आए या ऑफिस से घर आए तो आपको उन्हें साफ करना चाहिए ताकि उनमें मौजूद कोई भी बाहरी ऊर्जा आपके मंदिर में प्रवेश न कर सके। यदि वे फटे हुए हैं तो क्या आप एक टूटा हुआ रास्ता अपने लाइफ में चाहेंगे? नहीं ना। इसलिए उन्हें जितना जल्दी हो सके बदल दीजिए। मैं ये इमेजिन करती हूँ कि उन्हें नए से बदलने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की कोशिश ना करें। वे वही है जो आपके भौतिक शरीर के वजन का समर्थन करते हुए हर दिन आपका मार्गदर्शन करते हैं, और जब वे आपके घर से बाहर होते हैं तो सारी ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। कृपया उन्हें हमेशा साफ और अच्छी स्थिति में रखने का प्रयास करें। चौथी चीज जो आपके घर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास आमतौर पर ये चीजें होती है, उस पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं उन लोगों की वस्तुओं और कपड़ों के बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ जो अब आपके साथ नहीं है। उसे सिर्फ अपने दिमाग में ही रखना चाहिए, बाकी सभी ऊर्जा है। और यदि वह व्यक्ति अब आपके वर्तमान में नहीं है, कृपया उन्हें जाने दे, उन्हें अपनी यात्रा जारी रखने दे, उनकी प्रक्रिया को बाधित न करे। क्योंकि यदि आप उन्हें पकड़े रखेंगे, उनकी ऊर्जा को पकड़ कर रखेंगे, तो आप जीवन में जो कुछ भी हासिल करेंगे तो उन्हीं की यही ऊर्जा आपके अपने घर में और अधिक ठहराव लाएगा। अपने घर में केवल ऐसी चीजें होनी चाहिए जो आपके वर्तमान का हिस्सा हो, और अतीत पहले ही मर चुका है, इसका अस्तित्व नहीं है। यीशु ने श्लोक 8:18-22 में कहा है कि मृतकों को अपने स्वयं के मृतकों को दफनाने दो। मैथ्यू के अनुसार मरे हुए अपने ही मरे हुए को दफन करने दो। उनका मतलब ये था कि वे लोग जो आध्यात्मिक रूप से मरे हुए हैं या भगवान से अलग हो गए हैं, उन्हें अपने ही रास्ते में छोड़ दो। उनके एनर्जी को लेने की कोशिश मत करो, उनके भौतिक मामलों से दूर रहो। पांचवी और अंतिम चीज जिन्हें आपको खत्म करना चाहिए वह है अव्यवस्था। आपके घर में ऊर्जा का प्रवाह स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। जितना हल्का होगा आपके वातावरण में उतनी ही अधिक ऊर्जा होगी, और वो लगातार प्रसारित होगी, वो लगातार आपके घर के चारों तरफ सर्कुलेट होगी। इसीलिए अपने घर को जितना हल्का हो सके उतना हल्का रखे। हल्का कहने का मतलब है कि जरूरत की चीजों को रखे जो चीजें वर्तमान से जुड़ी हो। कृपया अपने घर को व्यवस्थित रखने का प्रयास करें। खिड़कियां खोले, हवा और सूरज की रोशनी को आने दे। जिस तरह से आप अपने घर को उन सुंदर पौधों से सुगंधित करने का प्रयास करते हैं, तो जब भी आप उन पौधों को लाते हैं तो उन्हें अपने दिल में महसूस करें कि यह आपका मंदिर है, आपका स्थान है, और यह आपको खुशी देता है। हर सुबह अपना बिस्तर ठीक करने के लिए वापस आना और आपको आराम प्रदान करने के लिए इन्हें धन्यवाद देना याद रखें कि यह भी ऊर्जा है। अपने घर को यथासंभव सामंजस्यपूर्ण बनाने का प्रयास करें, और यह भोग विलासिता के बारे में नहीं है, यह ऊर्जा के बारे में है। एक स्वच्छ और सामंजस्यपूर्ण घर के साथ गति करते हुए जब आप मेरे द्वारा बताए गए इन 5 पॉइंट्स को अपने जीवन में लागू करना शुरू कर देते हैं, तो आप अपने जीवन में एक बदलाव महसूस करेंगे, हल्का महसूस करेंगे, और आप देखेंगे कि स्थितियां कैसी है, कैसे स्थितियां आपके जीवन में बदल रही है। उसके बाद अपने जीवन में संकल्प लेना शुरू करें, ऊर्जा को प्रवाहित होने दे, और आपका जीवन पहले से पूरी तरह से बेहतर हो जाएगा। बस इसके लिए आप मेरी बात को नहीं माने, एक बार स्वयं इसे आजमा कर देखें, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है, इसमें मेरी अनुभव है। एक दिन एक महान स्पिरिचुअल टीचर ने मुझसे कहा कि यदि आप चाहते हैं कि आपका वर्तमान अद्भुत हो, तो सबसे पहले आपके अतीत को मिटाना आवश्यक है। अपने घर को साफ करना, उन सभी नकारात्मक ऊर्जा को हटा दे जो आपसे मेल रखती हो, फिर जल्द ही आप चमत्कार होते हुए देखेंगे। क्योंकि जब भी हम कपड़ों, टूटे हुए वस्तुओं और उन सभी प्रकार की चीजों से छुटकारा पाते हैं, उन्हें छोड़ते हैं जो अब हम नहीं पहनते हैं, तो हम उन्हीं की जगह में एक नई वस्तुओं के लिए, पॉजिटिव ऊर्जा के लिए जगह बनाते हैं। और यह हमें याद दिलाता है कि हमारे चारों ओर सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा है, सभी की चीजों में ऊर्जा है जो कि हमारे आसपास वाइब्रेट कर रही है। बस हमारा काम यही है कि हम उन ऊर्जा को पकड़े और अपने जीवन में इस्तेमाल करें। यहाँ पर बात सिर्फ ऊर्जा की होती है, ना कि बात महंगे सजावट की। एक सही ऊर्जावान और संतुलित ऊर्जा को पकड़ना, अपने आप को संतुलन में रखना, यह सिर्फ हमारे घर में पॉजिटिव वाइब्स डालने के बारे में है,
अपने भीतर पॉजिटिविटी भरने के बारे में है। यह एक डोमिनो प्रभाव की तरह है। जब हम अपने भौतिक वातावरण को हमारी ऊर्जा के साथ मेल करते हैं तो हम पॉजिटिव परिवर्तनों का अनुभव करने लगते हैं और हल्कापन की भावना भी हमारे भीतर उत्पन्न होती है, जो कि हमें बहुत ही ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी, क्योंकि हल्की ऊर्जा हमेशा ऊपर में रहती है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या पता आपका एक कमेंट किसी का जीवन बदल दे। और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आप मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आसानी से पा सके। धन्यवाद।